अभिनेता अक्षय कुमार के खाते में इस समय केसरी जैसी ऐतिहासिक फिल्म, सूर्यवंशी जैसी मसाला फिल्म और वेब सीरीज है। केसरी 21 मार्च को रिलीज हो रही है। अभी अक्षय कुमार अपनी फिल्म के प्रमोशन में जुटे हैं। बॉलीवुड में अक्षय कुमार भले ही अपनी धाक जमा चुके हैं, लेकिन वो उस समय को नहीं भूलते जब उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुई और उनका करियर गलत दिशा में जाने लगा। अक्षय कुमार ने लगभग 3 दशक लंबे करियर में हर तरह की फिल्म की। वो खुद को बतौर अभिनेता हर रोज़ बदलना पसंद करते हैं, चाहे एक्शन, चाहे ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी या सामाजिक मुद्दे पर फिल्म बनी हो। उन्होंने कभी किसी किरदार के साथ नाइंसाफी नहीं की, सभी किरदारों को बखूबी निभाया है। वहीं अक्षय कुमार ने कहा कि उनके लिए रोज़ नए किरदार करना मुश्किल नहीं बल्कि मज़ेदार है। मैं अपनी छवि को बदलता हूँ क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आता है। मुझे किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है कि जो भी काम करे उसे मज़े लेकर करना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस समय में कई तरह के किरदार करना बेहद मज़ेदार होता है। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तब मैं केवल एक्शन फिल्म कर रहा था और कोई भी मुझे वो किरदार नहीं देता था जिसमें रोमांस, कॉमेडी, ट्रेजेडी या ड्रामा हो। एक दिन मुझे हेरा फेरी मिली और मैं बेहद खुश हुआ। वो दिन था जब मैंने अलग अलग रोल करने शुरू किए थे। अपने करियर में एक जैसी फिल्में करने पर उन्होंने कहा, मेरे करियर में एक समय था जब मुझे खुद पर शर्म आती थी कि मैं एक तरह की फिल्म करता था जिसमें केवल एक्शन होता था। तो जैसे ही मुझे अलग तरह की फिल्में करने का मौका मिला, मैंने अपने काम को मज़े से करना शुरू किया। पिछले 12 साल में एक अभिनेता के तौर पर मुझे अपनी छवि बदलने का मौका मिला, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे लिए मुश्किल नहीं। बता दें कि अक्षय कुमार फिल्म मिशन मंगल और हाउसफुल 4 और गुड न्यूज़ भी कर रहे हैं और 21 तारीख को रिलीज़ हो रही है केसरी। दोस्तों, इसकी एडवांस बुकिंग चालू हो चुकी है। अगर आपने एडवांस बुकिंग करा ली है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर यही मिलती है सबसे पहले।